हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं जो अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आ गए हैं अपने किचन में। तो इसमें अब स्टार्टिंग करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मुझे भी वीडियो ब्लॉग ठीक से पता नहीं है कैसे बनाते हैं, तो आप लोग देखिए और मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे पता चल पाएगा कि ये वीडियो मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए देखिए, अब ये आज का रूटीन जो हमारा स्टार्टिंग है वो हमारी है तोरी की सब्ज़ी से। तो अब हम बना रहे हैं तोरी की सब्ज़ी। तो अब इस तरह इसको हम जल्दी से बाउल में डालेंगे और अच्छे से इसको हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन करना ज़रूरी होता है हर सब्ज़ी को। तो आप पहले सब्ज़ी को काटने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लीजिए, तो उसका जो रिज़ल्ट है बनाने में भी और खाने में भी दोनों में ही आपकी जो है हेल्थ के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको आपको किस तरीके से इसको वॉश करना है। तो जो मैं करती हूँ वो इसी तरीके से करती हूँ। देखिए आप करिए अपनी टंकी के जो है, मैं टंकी के नीचे ही सीधा डायरेक्ट वॉश कर रही हूँ। तो इसको वॉश करके धीरे धीरे अपनी सारी, कम से कम 2-3 बार आप इसको वॉश करके अच्छे से रख लीजिए और उसके बाद ही हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले ऐसे नहीं कट करेंगे डायरेक्ट, और अच्छे से वॉश करने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ, तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आप लोगों का जो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है कैसा लगा। तो शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, अब मैंने ये 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। जो हमारा टंकी का वाटर है हमारा, उसको हम अच्छे से उसके नीचे ही रखकर डायरेक्ट अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये वॉश कर लिया है। तो अच्छे से करने से ये होता है कि हमें जो इसमें जम्स वगैरह का डर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये देखिए इसी तरीके से हम इसको वॉश करते हुए चलेंगे। और अब ये मैं लगा रही हूँ अपनी चाय की छन्नी और स्पून, और अच्छे से हमारे, अब मैं किचन भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि किचन में भी कितना भी सफाई रख लो पर फिर भी गंदा हो जाता है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अब हमने करना है तोरी को कट। तो तोरी को जो मैं कट करती हूँ उसका भी तरीका आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से ये आप दोनों साइड से कट करेंगे और इसको छीलेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास फाइलर है तो ठीक है, अगर फाइलर नहीं है तो आप जो आपका चाकू है उससे भी अच्छे से फिल कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आप इससे करेंगे तो इसका छिलका जो है बहुत आसानी से, ये मेरे पास जो फाइलर है ये जो स्टील का है, और बहुत अच्छे से ये कट करता है, छिलके को बहुत बारीकी से भी उतारता है। और अगर आपको मोटा छिलका उतारना है तो ये उस तरीके से भी उतारता है। तो स्टील वाला आता है ये, मार्केट से मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा है और इसको यूज़ करने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होती है, आसानी से आप इसको चला सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इस तरीके से तोरी के, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं जो तोरी बनाती हूँ वो किस तरीके से बनाती हूँ, तो आपको बताऊँगी पूरी रेसिपी के जो हम तोरी में यूज़ करते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए, अब ये अब मैंने ये दूसरा भी कट करना शुरू किया है, क्योंकि इसके छिलके इतने आसानी से उतरते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे, इसके तोरी लंबी होती है तो इसके थोड़े छिलके भी ऐसे ही होते हैं। तो इस तरीके से इसको आप बिल्कुल आसानी से उतारना शुरू करिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए अब ये मैंने उतार दिए छिलके, अब इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये अभी मैंने धो ही नहीं है, अब मैं इसको धोकर लाती हूँ। देखिए मैंने धो भी लिया इसको, आप इसको कट करने से पहले ही अच्छे से पानी में एक बार और वॉश कर लीजिए, और इस तरीके से आप 4 पीसेस में इसको कट कीजिए। अगर आप 4 पीसेस में कट करेंगे तो ये आप बनने में भी इसका स्वाद अलग होता है। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं कि बिल्कुल लंबी कट करके बनाते हैं, तो लंबी कट करके मैं नहीं बनाती हूँ, तो मैं गोल जो सर्कल कटिंग है वही करती हूँ गोल कटिंग में। तो ये इसका स्वाद भी कुछ और रहता है और बहुत अच्छी भी बन जाती है, क्योंकि इसमें अगर हम बनाएंगे तो इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत
आसान तरीके से ये बन जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने कट किया है और छोटे छोटे कट में इसको सारी जो हमारी तोरियां है इसको काट देंगे। तो इसी तरीके से ये मेरे पूरे दिन का रूटीन है जो चलता रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा, मैं जो है आगे का रोज़ का रूटीन फिर वीडियो अपलोड करा करूँगी, क्योंकि अभी तो फर्स्ट है ना, तो पता भी नहीं है कि कैसे व्लॉग बनेगा क्या होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग के हेल्प से मैं थोड़ा सा आगे अपने आप को, आपका जो हेल्प है वो है मोटिवेट कर पाऊँ, शायद आप लोग मुझे करेंगे सॉरी। तो ये मेरी तोरी कट के तैयार है, अब हम काट लेंगे प्याज। तो प्याज हमने 3-4 प्याज काट लेंगे। प्याज काटने के बाद अब इसको हमने करना है फ्राई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने कट करना होता है। तो ये हमारी एक दो प्याज है तो ज़्यादा, पर मैं 3-4 प्याज कट करूँगी। देखिए इस तरीके से ये मैंने इतनी प्याज कट कर लिया है, 4 प्याज। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में। अब किचन में मैंने बनानी है तोरी, तो अब किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले मैं ये रख देती हूँ प्याज की टोकरी, उसके बाद मैं जो मेरी प्लेट रखी हुई है जिसमें मैंने छिलके कट करके रखे थे और चाकू, वो भी अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन जो है बहुत छोटी है, तो मुझे इसी छोटी किचन के हिसाब से ही काम करना होता है। तो ये देखिए अब मैंने कढ़ाई रख दी है और अब इसको गैस को कर दिया है ऑन। अब गैस को ऑन करने के बाद अब हमने जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसको हमने अब साइड में रखेंगे तोरी को और इसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, आप रिफाइंड यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाला है सरसों का, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का ऑयल ही खाया जाता है, तो ये वही ऑयल है। तो इसी तरीके से मैं जो है अपना रूटीन का जो है सिस्टम वो आपको दिखा रही हूँ, और मुझे सारा दिन पता ही नहीं लगता, सारा दिन निकल जाता है। और इस तरीके से देखिए अब मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं देख रही हूँ, शायद मुझे लगा मेरी बाजू पे कोई बाल है, तो पहले ही सेफ्टी रखनी होती है कि किचन में गए हैं तो कहीं बाल वाल ना खाने में गिर जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसको अच्छे से देख रही हूँ कि हाँ अच्छे से ये गर्म है, और इसमें हमने डाल दी है प्याज, क्योंकि हमारी जो प्याज है, और उसके बाद ये डाल दिया मैंने टमाटर, क्योंकि प्याज और टमाटर ही डालती हूँ और लंबे कट करके डालती हूँ, क्योंकि इसको मैंने मिक्स ही नहीं किया है, डायरेक्ट ऐसे ही लंबे लंबे कट करके, और टमाटर भी ऐसे ही कट करके मैंने डाली है इसमें। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ को पकाएंगे और खूब अच्छे से पकाएंगे, और इसमें जब ये प्याज लाल हो जाएगी उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्चें। जब बस ये ध्यान रखिए कि आपकी थोड़ी लाल हो जाए प्याज, तभी इसमें हल्दी मिर्च ऐड कीजिए, और इसको बस छोड़ दीजिए इसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालने के बाद। और फिर जब वो हो जाए, तो इसमें जब आप डालेंगे तोरी अपनी, तो इसमें बिल्कुल भी आप पानी नहीं डालेंगे। तो इसी तरीके से आप बनाइए, तो फिर इसका टेस्ट देखिए। देखिए थोड़ा पानी मैंने इसमें मसाले में ऐड कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी एक बार कि किस तरीके से जो है मेरा मसाला बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखें, ये है मैंने लंबी प्याज काटी है और लंबे ही इसमें टमाटर, हल्दी मिर्च, नमक जो भी है आपका, जैसे भी आप डालते हो वो डाल दीजिए। और ये हमारी तोरी इस तरीके से मिक्स हो गई है मसाले में। तो अब इसको हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इसको डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको 10-15 मिनट बाद देखेंगे, और ये जब पक जाएगी तो अब इसको देखेंगे। अब मैं आ गई हूँ अपने सेकंड रूम में। अब इस रूम का भी थोड़ा सारा सामान फैला हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इसकी भी सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सामान इधर उधर था, तो वो मैं डायरेक्टली सामान उठाओ, बच्चे हैं तो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, तो वही सेटिंग कर रही थी, क्योंकि मेरी चूड़ी के डब्बे वगैरह हैं वो भी इधर उधर हो रहे थे। तो इसी तरीके से अब ये बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ मैं, क्योंकि ये भी हमारा रूटीन है, अगर ये नहीं होगा तो बहुत नहीं होगा तो काम फिर अच्छा नहीं लगेगा, कोई आ जाता तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अब मेरा हो चुका है पूजा का टाइम, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी शाम की पूजा करने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो मेरा ये ब्लॉग है, वीडियो है, ब्लॉग वीडियो, तो कैसी लगी।
तो ये देखिए अब मैंने ये सारी सेटिंग कर दी है। हमारे कर्टेन ख़राब हो रहे थे, अब कर्टेन भी मैंने सही कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये मैंने जो ब्लॉग है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए दूसरा ब्लॉग बनाऊँ और जल्दी आप लोगों से मिलूँ। तो